हर हर महादेव। देखिए नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हर्षित पांडे जी का एक प्रश्न है। वे पूछ रहे हैं, आचार्य जी कृपया प्रणाम करने के, पैर छूने का तरीका आदि के संदर्भ में आचार व्यवहार बतलाइए, जिसे मैं अपने दैनिक नित्य जीवन में व्यवहार में ला सकूं। कोई प्रश्न में त्रुटि हो तो क्षमा करें। देखिए ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरीके से प्रणाम किया जाए, अभिवादन कैसे किया जाए। तो हमारे यहाँ कई तरीके के अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम इत्यादि हैं, तो वो देखना है। जैसे एक तो होता है अभिवादन, तो किन किन को अभिवादन किया जाए, किन्हें नमस्कार किया जाए, किनको प्रणाम किया जाए, किनको उपसंग्रहण किया जाए और किनको हाथ कर मेलन कर लिया जाए और किनको हृदय से लगा लिया जाए, और भी कई प्रणाम के तरीके हैं, तो वो देखिए। इनके अधिकारी अलग अलग हैं, तो इस पर अब अपन चर्चा करते हैं। देखो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है उपसंग्रहण। जो गुरु, माता पिता, ज्येष्ठ भ्राता या तत्तुल्य और पुरुषों को जो है, आचार्य को, गुरुकल्प, पितृकल्प आदरणीयों को ये उपसंग्रहण होता है। इसमें अपना, अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करते हुए, अपनी वेद की शाखा आदि का उच्चारण करते हुए अपना नाम लेकर के और प्रणाम निवेदन किया जाता है। अमुक गोत्रः, अमुक प्रवरान्वितः, अमुक शाखाध्यायी, भो गुरु या भो आचार्य, भो पिता, भो माता, वा जो भी बोलना हो, त्वाम अहम अभिवादये, ये कह करके जो है प्रणाम किया जाता है। या अमुक गोत्रः, अमुक प्रवरान्वितः, अमुक शर्मा, हम अभिवादये भो, ऐसे भी प्लुत स्वर से बोला जाता है, अभिवादये भो, ऐसे। तो इसी तरीके से फिर उनका आशीर्वाद देने का भी विधान है कि वे लोग उनको कहें कि आयुष्मान भव अमुक शर्मान, या आयुष्मान भव अमुक बर्मान, अमुक गुप्ता, जो भी जैसा भी हो इस तरीके से। तो उसका नियम है कि जैसे पिता गुरु जो विराजमान है जो भी, तो अपने दाहिने हाथ से उनके दाहिने पैर को और बाएं हाथ से उनके बाएं पैर को पकड़ करके और थोड़ा सा उनके मुख को देख करके और फिर चरणों में सिर रख करके और ये वचन बोलना कि अभिवादये अमुक गोत्रः, अमुक प्रवरान्वितः, अमुक शर्मा, हम आचार्यः भो, आचार्य भो, या भो पिता, जिस तरीके से भी बोलना हो। इनमें थोड़े से वचनों में अलग है, माने कि अपना नाम, गोत्र, प्रवर आदि को बोल करके और फिर जिस तरीके से प्रणाम किया जाता है इसको उपसंग्रहण कहते हैं। तो ये सबसे जो है बड़ा है, इससे ही प्रणाम करना चाहिए जितने बार मिले। अब अपना नाम गोत्र, क्या पिता को गुरु को अपना नाम पता नहीं है हमारा नाम, लेकिन जब भी मिले, जितने बार मिले, उपसंग्रहण होकर के अपने नाम, गोत्र, प्रवर इत्यादि का उच्चारण करते हुए, अमुक पुत्र, आपका पुत्र, आपका शिष्य, मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस नाम वाला, इस गोत्र वाला, इस इतने प्रवर वाला, मैं आपका पुत्र, आपका शिष्य, आपको प्रणाम करता हूं, जोर से कहे। आजकल भी फौज में आप जाएंगे देखेंगे तो वे बतलाते हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं उसमें, जेसीओ हैं, तो बतलाते हैं कि वहां जाकर के आपको जोर से कहना है, जो भी नमस्कार करना है, जो भी उनके अभिवादन के जो भी नाम रहता है, धीरे बोल दिया तो वो जो है उनके जो अफसर है वो लोग डांटते हैं। जोर से बोलना है कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, जोर से कहना है, तो ये उपसंग्रहण है। और इसके बाद आता है ये जो है अभिवादन,
तो अभिवादन जो होता है वो चाचा, मामा, ससुर, उपाध्याय, ऋत्विज, ज्येष्ठ भ्राता आदि, इनके लिए भी अभिवादन हो जाता है। तो अभिवादन में क्या अंतर रहता है, केवल पैरों को नहीं पकड़ना होता है, बाकी का ये नाम गोत्र इत्यादि का उच्चारण होता है और पाद स्पर्श होता है, पैरों को छुआ जाता है, उसमें पैर पकड़ लिए जाते हैं उपसंग्रहण में, दाएं हाथ से दाएं, बाएं हाथ से बाएं, और पकड़ करके और फिर कहा जाता है। इसमें केवल नाम गोत्र इत्यादि बोले न बोले, पर पैरों का नाम गोत्र बोल देना ही है, मुख्य रूप से बोल देवे, और चरणों का स्पर्श होता है दाहिने से दाएं, बाएं से बाएं को, दाएं हाथ से दाएं का, बाएं हाथ से बाएं पैर का, तो इसको कहते हैं अभिवादन। और यदि इसमें एक और बात है, अगर चाचा या मामा ये दो लोग आयु में हमसे कम हो तो पैर छू करके इनका अभिवादन न करे, नमस्कार कर लेवे, ये छोटे भी होते हैं आयु में, है ना, ऐसा भी है। अब होता है नमस्कार जो इनके अलावा, जैसे उपसंग्रहणीय जो लोग हैं, जो अभिवादनीय लोग हैं, इनको छोड़ करके और भी जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं उनको नमस्कार होता है। नमस्कार में जो है हृदय पे हाथ रख करके, हाथ झुककर संपुटित करके, सिर झुका करके और प्रणाम किया जाता है, अभिवादनीय वचन बोले जाते हैं, हरि स्मरण किया जाता है, तो इसको नमस्कार कहते हैं। अब इसी बीच में देखेंगे आप तो एक होता है करमेलन, हाथ मिलाना। कई लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि हस्तमेलन, करमेलन इत्यादि का ये जो अभिवादन है ये विदेशियों के द्वारा आया हुआ है, नहीं, ये हमारा है, विदेशी ले गए हैं यहां से, यहां छोड़ के नहीं गए, हमारा है। भागवत में दर्जनों जगह लिखा हुआ है, आप श्रीमद् भागवत को ही देख लें, गृहीत्वा पाणिना पाणिम, गृहीत्वा पाणिना पाणिम। तो कर मेलन की क्रिया ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों को अपने इष्ट मित्रों से किया है। तो जो समान लोग हैं, समान वर्ग के इष्ट मित्र आदि हैं, भ्रातृतुल्य हैं, तो उनको हस्त मेलन रूप जो है नमस्कार अभिवादन किया जाता है। देखिए एक जो है प्रणाम होता है साष्टांग और पंचांग प्रणाम भी होता है, तो वो अभिवादन जिनके लिए किया जा रहा है, जिनके लिए हमने उपसंग्रहण बताया था, उनके लिए, अपने इष्ट देवता के लिए, गुरु के लिए, माता पिता आदि के लिए साष्टांग प्रणाम, है ना, साष्टांग प्रणाम बतला चुके हैं, बिल्कुल लेट करके आठों अंग भूमि पर लग जाएं और मन से भी ये बात कहते हुए और दृष्टि से भी उनको देख करके ये भी किया जाता है। और माताएं बहनें पंचांग प्रणाम करें, इस बारे में भी हम बतला चुके हैं कि वो केवल घुटने को और सिर को, हाथों को रख करके और मन से फिर प्रणाम करें, ये जो है लेट करके माताएं प्रणाम नहीं करें किसी को भी, ये बतलाया गया है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जो है कितनी तरीके से क्षणमय समय मिले भगवान, उमा मर में यह काहु न जाना, तो उनका ये जो रहता है समय बतला दीजिएगा। प्रहुवाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मृते क्षणई, श्रीमद् भागवत में आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभु, झुक करके अभिवादन करके, किसी को हृदय से लगा करके, ये सब होता है, किसी करस्पर्श हाथ मिला करके स्मृते क्षणई। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तरफ हम मुस्कुरा करके एक बार देखें बस उनका अभिवादन हो गया, उनका स्वागत हो गया। कुछ लोगों से हम ये पूछ ले वे, कोई हमसे ये पूछ ले वे, हमारे जो आदरणीय लोग, और कैसे हैं, ठीक हैं, बस इतने मात्र से उनका अभिवादन हो गया, है ना। जब उद्धव जी गोपियों के पास में आए हैं तो गोपियां आदरणीय थी, उन्होंने उद्धव जी को बिठाया और उन्होंने कुशल क्षेम पूछी तो उद्धव जी का अभिवादन हो गया, धर्म सम्राट लिखते हैं, अब उद्धव जी का अभिवादन हो गया। तो इस तरीके से है ना, तो ये भगवान जो है चांडाल से लेकर के आचार्य पर्यंत सबसे मिलना, तो अब कोई ऐसा है जो हमसे छोटी जाति में है या हमसे छोटे भाई हैं उनसे भी हमें मिलना है, तो उन छोटे लोग हैं तो उनकी तरफ अगर हम सभा में हैं या कहीं हैं तो उनकी तरफ देख देना, मुस्कुरा देना, उनका कुशल क्षेम पूछ लेना, बस उनका अभिवादन हो जाता है, उनका मिलना हो जाता है। तो मिलना कई तरीके का है,
अब राम जी जब जाते हैं तो सीधे सीधे चलते हैं ना, और भगवान श्री कृष्ण जाते हैं कहीं जो है मथुरा की गलियों में या कहीं, तो अट्टालिकाओं पे जो पुर बधूटियां खड़ी हुई हैं, ब्रजपुर पुरंदरियां खड़ी हैं, सुंदरियां खड़ी हैं, तो माननीयां खड़ी हैं, तो उनकी तरफ देख दिया, मुस्कुरा दिया, बस उनका अभिवादन हो गया। तो ये भी चलता है किसकी तरफ किस तरीके से देख लेना है, कैसे कर लेना है। और एक तरीके कोई कहीं भी खड़े बोल ही नहीं रहे, देख भी नहीं रहे, बात भी नहीं की, चुपचाप अपने गए, काम किया और चले गए, तो वो अलग बात है, ये व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार नहीं है। तो इस तरीके से सबसे मिलना, क्षणमय समय मिले भगवान, किसको हृदय से लगाना है, किसके हृदय से लगना है, किससे पैर छुआना है, किसके छूना है, किससे हाथ मिलाना है, किसको देख करके मुस्कुराना है, किसकी तरफ देख करके जो है बात कर लेना है, कुशल क्षेम पूछ लेना है, किसके चरणों में लेट जाना है, किसका उपसंग्रहण करना है, किसको नमस्कार करना है, किसको अभिवादन करना है और किसको प्रणाम करना है। तो ये हमारे यहाँ कई प्रकार के जो है परस्पर मिलने के ये जो प्रणाम अभिवादन नमस्कार आदि हैं, इन सब का व्यक्ति को देख करके अपनी योग्यता और उसकी योग्यता और तथा अपने अपने संबंधों को देख करके ये जो प्रणाम अभिवादन किया जाता है। इन सभी का व्यवहार देखना हो तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों से, भगवान श्री राघवेंद्र की लीला से ये सब देखें, सुने, पढ़ें और अनुसरण करें। हर हर महादेव।